So, assalamualaikum everyone, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल. दिस इज मी अफिशान, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल. सो आई एम बैक विद माय अनदर व्लॉग. एंड आज है आखिरी सेरी है, इसमें कल जो है हमारा आखिरी रोज़ा है. तो आप सबको ईद मुबारक एंड एडवांस. और कल तो जन्नत होगी, शायद नहीं हो सकता, हो ही जाए. तो खैर, हम लोगों ने सेहरी वगैरह कर ली है और नमाज मतलब अजान हो चुकी है. अब हम लोग नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं. तो मैं आपको सबको दिखाती हूँ कि सब एक साथ नमाज़ पढ़ रहे हैं तो कितना अच्छा लगेगा. आखिरी सेहरी तो सब साथ नमाज पढ़ रहे, तो सिर पर देखते हैं. और मैं कुरान पाक पढ़ रही हूँ, तो यासीन पढ़ रही हूँ. और मैं ब्लॉग कर स्टार्ट कर दिया है अभी. और ब्लॉग पढ़ने जो स्टार्ट हुआ है, सेहरी को लेने भूल गई थी. तो अब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ और आप लोग सबको भी दिखाती हूँ. उसके बाद मिलते हैं कल इस मॉर्निंग में. बाय बाय. मॉर्निंग तो हो चुकी है, मतलब उठने के बाद. अब आए ओहो, अभी नमाज पढ़ने में तो देख लें. तो नमाज अब लोगों ने पढ़ ली है और लोगों की नमाज पढ़ चुकी है. तो जी हाँ, अफ्तारी का टाइम स्टार्ट हो गया और माशाल्लाह से आज चांदार भी है और आखिरी रोज़ा भी है. तो मम्मा बना रही हैं आखिरी रोज़े की अफ्तारी. और फिर कल से हम सब अपनी रूटीन में डिनर वगैरह करा करेंगे. आज तो है आखिरी रोज़ा और माशाल्लाह से आज चांदवार भी है और हमें 30 रोज़ा अल्लाह ताला ने दिए हैं. तो सब ने हमारे घर में सबके रोज़ा है, सिवाय अहमद को, क्या अहमद के अभी रोज़ा नहीं है. और मम्मा यहाँ पर बना रही हैं अफ्तारी आखिरी रोज़े की. तो चलिए देखते हैं क्या क्या बना रही है मम्मा. आज मम्मा ने जो पूरे रमज़ान में अफ्तारी बनाई थी, वो वाली चीज़ें बनाई, जैसे कि फ्रेंच फ्राइज नहीं बनाए थे और नमकीन दही बड़े ये नहीं बनाए थे. छोले तो बने ही रहते हैं. और यहाँ पे बन रहा है पाइनएप्पल टैंक में. और यहाँ पे बन रहे हैं प्याज के पकौड़े. और मम्मा बताएं आपका आखिरी रोज़ा कैसे जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम. अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा है, अल्लाह का शुक्र है. और लेकिन आज बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी पकौड़ी सी बनाई. और मम्मा ने मेहंदी भी लगानी है. हाँ, बच्चों की मेहंदी भी लगानी है मैंने. तो मैंने अपने तो पैरों में लगा ली है, तो बच्चों के लगाऊंगी अभी इंशाल्लाह ताला. और अहमद यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे मैंने अच्छे से गला के रखी और आप लोग सबके साथ हमारी फर्स्ट मीटिंग है. अहमद यहाँ पे बना रहे हैं पाइनएप्पल जूस, मगर बना नहीं रहे अब. यहाँ पे सिर्फ इसमें चम्मच हिला रहे तो है ना. बन गया है, बन मेहनत का तो काम है. बस पूरी बर्फ घुल जाएगी मम्मा. बस छोड़ दो, दिखाओ. ये वेरी गुड मम्मा, देख रही है. और आज पापा भी अफ्तारी पे नहीं आ रहे. हाँ, आज पापा भी अफ्तारी पे नहीं आ रहे. हाँ, पापा भी अफ्तारी पे नहीं आने के लिए उनको टाइम नहीं होता, तो इस वजह से पापा बोलते फिर मैं लेट हो जाता हूँ. इसलिए आज आना ही होता है, तो अफ्तारी है, तो इसलिए उन्होंने कहा मैं वहीं खुद दूंगा. तो उन्हें मर जाए तो फिर जो है. और अभी मम्मा को कल की नाश्ते के लिए भी चीजें बनानी है. हाँ, तो ये पाए भी जो है अभी मम्मा ने सुबह के नाश्ते के लिए बनाए और फिर कीमा भी बनेगा, फिर सुबह के पराठे भी बनाते होगा. तो अब जब मैं आप लोग सबको दस्तरखान लगाऊंगी तब दिखाऊंगी. तो हमारा यहाँ पे दस्तरखान लग चुका है और सारी चीज़ें आ चुकी हैं, बट अभी एक चीज़ मिसिंग है और वो है फ्रेंच फ्राइज. तो वो आएंगे और अभी हम वो रखेंगे, वो अपने तशरीफ पधारेंगे और मैं आप लोगों को टाइम भी दिखा देती हूँ. सो इट्स टाइम टू 6:55 और आई थिंक 7 बजे तक रोज़ा खुल जाएगा. तो आज माशाल्लाह से आखिरी रोज़ा भी अख्ताम पर ही है. और अब हम जब सब आ जाएंगे तो मिलते हैं आपसे. तो यहाँ पे अब सब आ चुके हैं और खजूर आएंगे और फ्रेंच फ्राइज भी आ चुके हैं और थोड़े फ्राई हो रहे हैं. मम्मा के बैठ चुकी हैं और मदीरे रहे हैं और बाकी मेहमान आ रही हैं. और यहाँ पे हमारे सवाल लग चुका है और अब हम रोज़ा इफ्तार करते हैं, उसके बाद मिलते हैं.
हम लोगों ने चाय वगैरह पीनी थी, मैंने आप लोग सबसे बोला था कि हम मेहंदी लगाएंगे तब मिलेंगे, पर मम्मा ने बोला कि चलो चांद की तारीख है तो मतलब शुरू की तारीख है तो मैं उन लोगों के बाल भी काट देती हूँ, तो मम्मा जो है ना हाँ हेयर कट खुद ही करती हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि मम्मा बहुत सारे काम आते हैं, मम्मा यहाँ पे हेयर कट भी कर रही है। मम्मा मना कर रही थी कि नहीं दिखाओ, मैंने दिखा देती हूँ, मैं आप लोग सबसे क्या छुपा। तो ये मम्मा यहाँ पर मामा के हेयर कट कर रही हैं, फूल बना दिया मुझे तो भूत ही बनता है बंदा ऐसे बाल कट करवा रहा होता है। तो अब जब पूरे हेयर कट हो जाएंगे तो फिर मैं दिखाती हूँ आपसे, अभी मैं भी अपने हेयर कट्स करवाऊंगी। मैम आज आप कहाँ आई हुई? मैं गई आई हुई हूँ गजाला सैलून, मैंने आज मुझे पूरी सर्विस ली है। पूरी सर्विस ली, मैंने भी आज पूरी सर्विस ली है। और जो और अभी बस मेहंदी लगाने की बारी मेरी, इस तरह जो भी है तो हमने आज पूरी गजाला सैलून से सर्विस ली। आप लोगों को लेना तो आपको बता, फ्री है, आप लोग सब आ जाए। सच्ची में अगर सब आ गए तो तुम कहाँ उठाओगी? अब देखें आप, बहुत बड़ा है उमैमा की कटिंग, ये है उमैमा की खरिंग 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 खरिंग। नहीं उमैमा के बाल पीले हो रहे हैं, मैंने अभी सेट नहीं किया, थोड़े ड्राई। कल आप पूरा जाएंगे उमैमा के बाल बिल्कुल फिनिशिंग से दिख रहे हैं, मतलब कल वो बनाए हैं। तो मैं पार्लर नहीं जाती, मैं सारे काम बच्चों के घर में करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे खाना भी सारा चीजें घर में बना के खिला देती है, पार्लर भी घर में खोला हुआ है, घर में खोला हुआ है। किस चीज की कमी है? हर चीज आनी चाहिए, नहीं मैं किसी चीज के लिए जो है बाहर जाने की जरूरत ना पड़े, तो इसलिए मैं सब चीज सीख के रखती हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सब चीज आती है। तो ये देखें यहाँ पे उमैमा के कितने अच्छे से हेयर कट हो गए हैं, बहुत अच्छी कटिंग हुई है उमैमा की माशाल्लाह। आई मेरी भी अच्छी करी हूँ, ये देखो, और ये इनका पफ भी बड़ा अच्छा है। तो मैमा के हेयर कट हो गए हैं और अब मैं अपना हेयर कट करा देती हूँ, उसके बाद देखते हैं। फाइनली यहाँ पे मेरा भी हेयर कट हो गया है। तो इन्होंने सिर्फ जो है ना यू शेप दिया है, हाँ इनको जो है लंबे बाल पसंद है तो छोटे छोटे बाल पसंद नहीं है इनको, तो इसलिए मैंने सिर्फ यू शेप ही दिया इनको। अल्हम्दुलिल्लाह चले, तो फिर इनके बाल बाल कट हो गए, तो अब ये जो गिरा है बालों का बोछाड़ तो इसको भी साफ कर लेते हैं हम लोग। अहमद नो, चले ठीक है सही है, अभी हम मिलते हैं थोड़ी देर के बाद मेहंदी लगाते हुए। तो यहाँ पे अब हम लोगों ने अपना हेयर कट भी करा लिया है, तो अब बारी आती है मेहंदी की। तो यहाँ पर मामा की लग रही है अब मेहंदी, और मामा मेहंदी लगाएंगी मामा की, और जब मामा की मेहंदी लग जाएगी तो मैं आप लोग सबको जरूर दिखाऊंगी। ये देखिए यहाँ पे मामा की मेहंदी बहुत अच्छे से लग चुकी है, अभी मतलब थोड़ी सी बाकी है, इसके अंदर फिलिंग होनी है, और अभी ये मेहंदी पूरी लग जाएगी तो फिर दिखाऊँगी मैं आप लोग सबको। तो उमैमा की एक हाथ की मेहंदी लग चुकी है और दूसरे हाथ की मेहंदी लगा रही है और मैमा, और यहाँ की मेहंदी आप लोग सब चेक करें कितनी अच्छी लगी है। मैं सही से दिखाऊँ, पूरा डिज़ाइन नहीं आ रहा मेरे हाथ से, दिखाओ वाली, ये देखें कितनी प्यारी लग रही है मैमा की एक हाथ की मेहंदी, अब दूसरे हाथ की लग रही है, और मतलब फाइनली लग ही चुकी है मामा बिल्कुल। और मैमा ने सारे अपनी मर्जी के डिजाइन लगवाए जो जो मैमा अच्छे लगे। मैंने पहले अभी से आगे भी करवा ली थी ना, और मेहंदी में मैमा कॉम्प्रोमाइज नहीं करती बिल्कुल। हाँ, मैं कर लूंगी लेकिन मैमा नहीं करती, मैं पूरे चारों हाथों में चाहिए। तो ये वाला कमेंट्स में बताइएगा आप लोग के कैसी लगी मेरी मम्मा की मेहंदी, मतलब मम्मा ने लगाई मेहंदी। तो फाइनली फाइनली मैमा के मेहंदी लग चुकी है, मैमा के चार हाथों में मेहंदी लग गई है, और दिखाओ मैमा। चार हाथों में नहीं, तीन हाथों में, तीन में लगी। अच्छा शुक्र, बस इनफ हो गया, बस थक गई मैं बोलिए थक गई। दिखाओ, अच्छा ये इधर रह के भर भर के लगी हूँ मैमा के, थक गई मैं बस, दिखाओ उधर, ये देखे कितनी प्यारी लगाई है मम्मा ने मेहंदी, अभी सबकी चल रही है। मैं बोली कब खत्म हो, मैं सकूं, आज नींद आ रही है।
तो अब मेरी बारी आती है। लाल मम्मा ने बहुत अच्छी है मेहंदी लगाई है, तंग किया ना आज। हाँ अहमद को तो बाद में देखेंगे। अल्लाह तेरा शुक्र मेहंदी लग गई हमारी भर भर के, हमारी दुल्हन की और मेरे हाथों का हाल देखिए क्या हाल है मम्मा के, और ये सब दुख रहे मेरे और मेरी कमर भी बहुत, और मेरे अभी नहीं लगी। और अगर मेहमा के भर के मेहंदी लगती तो मुझे भर भर के हो जाता, मेरा सब कुछ भर भर के काम हो जाता तमाम। मेहमा की बहुत अच्छी, चलो भाई हमारी दुल्हन सोने बाबा आ गई राफे की बारी। ऐ मेरे कौन बनाएगा। तो यहाँ पे अब मेरी मेहंदी भी लगना शुरू हो गई है और यहाँ पे मेरा डिजाइन भी स्टार्ट हो गया है मेहंदी वाली, मेहंदी का मतलब मेहंदी का डिजाइन, मेहंदी वाली बाजी। आप बहुत अच्छी अच्छी मेहंदी लगाइएगा मेरी, ठीक है? सभी की अच्छी लगा रहे हैं। हाँ मेरी भी अच्छी लगाइएगा। और उमैमा सो गई है इसलिए मैंने खुद अपना व्लॉग बना लिया। और अब मैं आपको पूरा लगाने के बाद ही दिखाऊंगी क्योंकि मेरा व्लॉग कोई नहीं बनाएगा क्योंकि मम्मा तो मेहंदी लगा रही है और उमैमा सो रही है। नहीं थैंक यू सो मच बाय। सो फाइनली यहाँ पे मेरी मेहंदी भी डन हो चुकी है। आप सब सोच रहे हैं कि मैंने इतनी छोटी छोटी क्यों लगवाई, क्योंकि मुझे छोटी छोटी ही पसंद है और मैं ज़्यादा बड़ी नहीं लगवाती हूँ, बहुत ज़्यादा उलझन आती ज़्यादातर बैठने। अभी आपको नहीं पता कि मैंने मम्मा को कितना तंग किया इतनी सी मेहंदी लगवा ले। ये ज़्यादा बड़ी पसंद नहीं करती हूँ, मम्मा को बहुत बड़ी बड़ी अच्छी लगती है। बस थोड़ी थोड़ी सी लगवा लो, मैं तो वो ये भी नहीं लगवाती, बस छोटी छोटी सी लगवा लेती हूँ, मम्मा ने लगा दी है तो बस यहाँ पे हो गई है डन मेहंदी। और इंशाल्लाह मैं जा रही हूँ किचन में, तो किचन के काम बाकी हैं तो अब जाके देखते हैं किचन में। तो यहाँ पे अब रेडी हो रहा है शीफ और कीमा रेडी हो रहा है यहाँ पर, और हमारी मेहंदी भी अच्छे से अच्छी, आप उसे देख सकते हैं ये देखें। और एक हाथ मैं भी दिखा सकती हूँ, वो ब्लॉग बना रही हूँ इसके हाथ से, ये देखें बहुत डार्क कलर है, अच्छी सी मेहंदी। और अब यहाँ पे ये रेडी हो जाएगा हमारा शीफ फॉर्मा भी, और पाए भी रेडी हो रहे हैं। तो जी हाँ मम्मा, आपका शीफ फॉर्मा कहाँ तक पहुँचा? दूध अच्छा सा पक गया है हमारा, और उसके बाद यहाँ सेवैयाँ और मक्खन घी और बादाम पिस्ता ये सब चीज़ें जो है भून रही है, उसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे खोपरा, इसको भी डाल के। और अब पापा भी बस आने ही वाले हैं। और शीफ फॉर्मा तो सबके घर में मोस्टली बनता है ईद वाले दिन, तो चीनी मुझे यहाँ कम लग रही थी तो मैंने थोड़ी सी और ऐड कर ली। हाथ बड़े प्यारे लग रहे हैं। तो मम्मा को जल्दी से बना ले देते हैं और फिर हम बर्दाश्त हुए के बाद जाने से पहले मैं आप लोग सबको टाइम बता देती हूँ। टाइम हो रहे हैं 4:11 यानी 4:11 है, और मिलते हैं सुबह के व्लॉग में इंशाल्लाह। तो यहीं पे हम अपना व्लॉग भी एंड कर देते हैं। तो हम अपनी क्यूट क्यूट सी मेहंदियों के साथ अपना व्लॉग एंड कर देते हैं। सो आई होप यू लाइक माय व्लॉग, सो डू नॉट फॉरगेट टू सो आई होप यू लाइक माय टुडेज चैनल व्लॉग, सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो यू नेवर मिस माय एनी व्लॉग। सो टेक केयर टिल देन, आई लव दिस। और हाँ स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं हम आपसे सुबह के व्लॉग। बाय बाय।